साधारण परिस्थितियों में तो संतान का सबसे पहला संबंध उसकी माँ से होता है। यदि उसने मुझे अपनी माँ के रूप में अस्वीकार कर दिया तो शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की केवल शिव पुत्र। प्रणाम पिताजी। कीर्तिमान भाव पुत्र, लगता है इसे केवल अपने पिता का बोध है, इसे अपनी माता की अनुपस्थिति का आभास ही नहीं। क्षमा कीजिए पिताजी, पर मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय। 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की मन तो करता है कि तुझे गले लगाकर अपनी सारी ममता की वर्षा तुझ पर कर दूं, किंतु क्या मेरा वो अधिकार तुझ पर है? माँ, माँ, क्या हुआ माँ, आप उनसे क्रोधित हैं? आप बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने कल्पना की थी। कल्पना? हाँ माँ, बिना जाने समझे भी एक आभास था मुझे। जब से मैंने जन्म लिया है एक विशेष सुगंध मेरे भीतर बसी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे सदैव से पता था कि ये मेरी माँ की ही सुगंध है। आप तो जानती है, कृतिकाओं ने मुझे गोद में उठाया था, दुग्धपान कराया था, माओं के समान मेरा पोषण भी किया था, पर उन सब में वो सुगंध नहीं थी जो आप में है। आपको हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे इस हृदय में मेरे लिए जो स्नेह है उसकी कल्पना संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती।
आपका आंचल ही मेरा घर है मां। पुत्र, ऐसे तो मैं सारे जगत की जननी हूं, पर आज तूने मुझे सच में मां बना दिया पुत्र, सच में। देवी पार्वती ने जब कार्तिकेय को पहली बार गले लगाया तो इस पूरे संसार को स्कंद माता स्वरूप की पहली छवि दिखाई दी। तब सबको आभास हुआ कि मां के बिना पुत्र की रचना तो क्या, कल्पना करना भी असंभव है। यदि कार्तिकेय में शिव का अंश था तो उसे धारण करने वाली सरकंडा घास भी देवी पार्वती का स्वरूप था, और ये बात वो छोटा सा बालक भी जानता था, और वो छोटा सा बालक उस सुगंध को अच्छे से पहचानता था। यहाँ एक ओर कार्तिकेय के आने के कारण पूरे कैलाश में प्रसन्नता छाई थी, तो वहां दूसरी ओर तारकासुर के नगरी में उथल पुथल मची हुई थी। मारी तराक्ष, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वीर पुरुषों की तरह लड़ो। ऐसी रक्षा करोगे मेरे साम्राज्य की, ऐसे संघार करोगे अपने शत्रुओं का। आपके पुत्र हैं, शत्रु नहीं। तनिक संभाल के। गृह स्वामिनी हो तुम, वही तक सीमित रहो। युद्ध का प्रशिक्षण कैसे देना है ये बस सिखाओ मुझे। अब हटा यहां से। मां, आप करछी और चूल्हे के भाव समझने तक ही सीमित रहिए, ये तलवारों की भाषा हम पुरुषों पर ही छोड़ दीजिए। पति का लाड प्रेम करके हमें कायर बनाने का प्रयास मत करो मां, यहां से जाओ। महाराज, महाराज, एक अशुभ समाचार है, पंचा मारे गए और वो बालक सुरक्षित कैलाश पहुंच गया। स्वामी, स्वामी, ये अनिष्टता का संकेत है। स्वामी, अभी भी समय है, आप शांति वीरता का संदेश भेज दीजिए। यदि शिव पुत्र ने आक्रमण कर दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। स्वामी, समाचार के साथ साथ तुम्हारी वाणी भी अशुभ है, इससे पहले कि मेरा कोई अनिष्ट हो मैं उस बालक को ही नष्ट कर दूंगा। ताराच, जाओ और पता लगाओ देवता कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। जाओ। हे मां, स्वामी मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज रहे हैं, इसकी रक्षा करना मां। शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। ये स्थान उचित है, यहाँ से अच्छी दृष्टि रखूंगा मैं, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। संतान का पहला नाता उसकी माँ होती है, वही पिता से और सारे संसार से उसकी पहचान करवाती है। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपया मुझे गौरी शंकर सूत कार्तिकेय का कर पुकारिए।
यदि आप मेरे पिता से भी पहले मेरी माँ का नाम लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अनेक शताब्दियों से हम आपके जन्म के लिए व्याकुल थे। देवताओं के सेनापति का पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार, सप्तऋषि स्वयं आपको पद ग्रहण कराएंगे। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। मुझे शीघ्र ही पिताजी को ये सूचित करना होगा कि सभी देवताएं शिव पुत्र की प्रशंसा तो कर रहे हैं, किंतु ये इस योग्य लग तो नहीं रहा। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की जय। यहाँ विराजिए कुमार। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है धर्म रक्षक, असुर संहारक, गौरी शंकर सुत, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। मैं आप सभी देवताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने सेनापति को अपने अपने अस्त्र भेंट कीजिए। मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए सेनापति। अब आप जब भी स्मरण करेंगे तो मेरा ये विशेष अस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। सेनापति, ये वरुणास्त्र स्वीकार करें। सेनापति जी, मेरा ये अग्नि अस्त्र स्वीकार कीजिए। सेनापति, अपने पिता की ये भेंट स्वीकार कीजिए। मेरे शक्ति के प्रतीक के रूप में ये शूल सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। कीर्तिमान भव, विजयी भव।
क्या हुआ? क्या सूचना मिलने के बाद तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया? तब तो कार्तिकेय अवश्य उसे मार दिए होंगे, है ना? इतनी शीघ्र नहीं। देवता तो युद्ध करने के लिए आतुर थे, पर देवी पार्वती ने उन सबको रोक लिया। अब हमें आपका साथ प्राप्त हो गया है तो हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। तारकासुर का अंत अवश्य होगा। अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, मां, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा? तुम में क्षमता है पुत्र, पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल क्षमता पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की योग्यता भी आवश्यक होती है। जब तक तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होती, तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। पर मां, शिक्षा दीक्षा में तो समय लग जाएगा और तब तक तारकासुर का आतंक पूरे संसार में इसी तरह व्याप्त होता रहेगा। अब तक तो उसे यह सूचना भी मिल गई होगी कि आपके और महादेव के पुत्र का जन्म हो चुका है, और यह सुनकर वो और भी अधिक व्यग्र हो गया होगा। देवराज इंद्र ठीक कह रहे हैं देवी, अनेक वर्षों से यह संसार के अन्याय की अग्नि में जल रहा है। अब और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। 11 दिन, केवल 11 दिन दे दीजिए मुझे अपने पुत्र के साथ। उसके बाद आप आइएगा और अपना सेनापति ले जाइएगा। परंतु स्मरण रहे, 11 दिनों तक हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। ऐसा ही होगा देवी।